दुनिया के देशों में आपसी समन्वय और सामंजस्य का सद्भाव बुनियादी स्तर पर स्थापित करने के लिए आज ही के दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, ताकि दुनिया के देशों में किसी भी प्रकार की युद्ध जैसी स्थिति को बातचीत के माध्यम से हल किया जा सके। यह बात संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर शनिवार को करनाल लघु सचिवालय की छत पर संयुक्त राष्ट्र का ध्वज फहराने के बाद जिला राजस्व अधिकारी सुरेश कुमार ने उपस्थिति को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हम सभी को इस मौके पर आपसी सौहार्द की भावना को मजबूत करने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। DRO ने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, उसके पीछे मानवता और प्राणी मात्र को सुरक्षित रखने की भावना थी, लेकिन आज भी विश्व स्तर पर विभिन्न देशों में असुरक्षा की भावना इस बात की ओर इशारा करती है कि UNO को अपने आधारभूत सिद्धांतों को पूर्ण रूप से लागू करवाने में और बेहतर प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूर्व में विश्व में 2 महायुद्ध हुए जो आज भी मानवता के लिए दुखदायी हैं। इनके बाद कई देशों के आपसी युद्ध हुए जिनसे व्यक्ति और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ और आपसी सौहार्द की भावना की कमी से नफरत पैदा हुई। उन्होंने कहा कि युद्ध कैसा भी हो, इसके परिणाम घातक ही रहे हैं। युद्ध से पहले और इसके बाद की स्थिति हमेशा खौफनाक रही है, जो मानवता को शांति की स्थापना के लिए कदम उठाने के लिए विवश करती रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत और इसकी पृष्ठभूमि का स्मरण करते हुए DRO ने कहा कि विभिन्न मुद्दों के बाद शांति की स्थापना के लिए 20वीं सदी में विनाश को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण समाधान करना था, ताकि आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाया जा सके। परंतु राष्ट्रीय संघ अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। इसके बाद द्वितीय महायुद्ध होने से मानवता को भारी क्षति उठानी पड़ी और विश्व की स्थिति दुख दर्द में बदल गई। तदोपरांत मानवता की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शक्तिशाली संगठन बनाने के प्रयास आरंभ हुए। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तब से लेकर आज तक 24 अक्टूबर का दिन UNO डे के रूप में मनाया जाता है। स्थापना 1945 में 51 देशों ने मिलके की थी और ये वर्ल्ड में शांति स्थापित करने के पर्पज़ से स्थापना की गई थी। अब इसके 193 सदस्य हैं, उसमें अपना इंडिया भी एक है। तो इनका मेन मकसद विश्व में शांति फैलाना का एक संदेश देना ही इसका मेन मकसद है। क्यों बजाया गया ये धुन? ये पुलिस शहीद दिवस को है जी, पुलिस शहीद दिवस की उपलक्ष्य में 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस होता है ना। अच्छा, उसके उपलक्ष्य में बजाया गया। तो आज फ्लैग दिवस का भी, फ्लैग दिवस दोनों चीज है जी, फ्लैग दिवस भी हो गया, शहीद दिवस भी हो गया, दोनों के उसमें आज धुन बजाई गई। हर जगह बजाई जाएगी? सभी जगह बजाई जाती है? नहीं, हाँ, ये कई जिलों में बजाई जाएगी, जैसे 6-7 जिलों में। अच्छा, हर साल बजाई जाती है ऐसे? इस साल से लागू कराएगी सर, 21-31 तक चल रहा है। हाँ, 21-31 तक। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.